हेलो गाइस, मैं आज आपको बताने वाला हूँ पबजी मोबाइल 0.9.5 के ग्लिच और कुछ हिडन प्लेसेस के बारे में, जहाँ से बैठ के आप आराम से चिकन डिनर ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये ट्रिक है पानी में कैसे सोया जाए, रुइंस के पास जो पानी वाला जगह है, पानी पे कैसे सोया जाए। तो ये स्टे जो जहाँ पे आप देख सकते हैं सीढ़ी किया हुआ है, मतलब कि स्टेयर्स है, उधर पे आपको दौड़ के जाना है और सो जाना है। मतलब कि जब पानी आपका शरीर टच करे वहाँ तभी आपको सोना है, ठीक है। सोने के साथ साथ आप ऐसे सो जाएंगे। कभी कभी फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट में नहीं होता, थर्ड फोर्थ में हो जाता है, तब आप ट्राई करते रहिए, आप हो जाएगा। तो यार आपको करना क्या है, स्प्रिंट नहीं करना है, विदाउट स्प्रिंट आपको दौड़ाना है इसको, आपके कैरेक्टर को दौड़ा के सीढ़ी के सामने, मतलब के जो स्टेयर्स है स्टेयर्स के सामने, पानी जो है पानी को अपना पैर टच करते ही आपको सोने वाला बटन टीप मतलब के प्रेस करना है। तो आपको वो प्रेस करना है, प्रेस करने के साथ ही आपको पानी के अंदर आप सो जाओगे। तो यार यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है, आप पानी में गोली नहीं चला सकते, मतलब गोली तो चला सकते, आप देख सकते हैं कि मेरे को गोली चलाने को मना कर रहे हैं। आप यहाँ पे थ्रोएबल आइटम मतलब कि बॉम मोलोटॉव कुछ भी फेंक सकते हैं, लेकिन गोली नहीं मार सकते। हाँ, इनमें को सेपरेट कर सकते हैं और क्या। तो सेकेंड की तरफ चलते हैं हम। तो ये घर आपको पोचिंग की यासना और मिल्टा बहुत सारी जगह पे मिल जाएगा। आपको क्या करना है, सिंपली अंदर से इसको बाहर की तरफ खोलना है और एक गाड़ी लगाना है, गाड़ी के ऊपर चढ़ना है, आराम से चढ़िए। चढ़ने के बाद ये देखिए हमारा कैरेक्टर कैसे उठता है, और कैरेक्टर के उठने के बाद ये बूम आप घर के ऊपर आ गए। तो यार ये बहुत अच्छी शील्ड है, मतलब कि आप देख सकते हैं कि चारों तरफ मतलब कि गार्ड है, हमको कोई मार नहीं सकता, ठीक है। कभी कभी अगर बॉम्ब फेंक दे तो आपको पता नहीं क्या होगा। तो यार आपको ये दूर तक लग रहा है तो आप देख सकते हैं, तो कभी कभी लगता है कभी कभी नहीं लगता है, लेकिन आप जब उठेंगे इसके ऊपर तो आपको लगेगा कोई नहीं देख सोच सकता कि आप इसके ऊपर है। तो यार ये एक अच्छा चीज जगह है छुपने का, आसानी से अगर एनिमी आता है आप आसानी से उसका गेम बजा सकते हो, ठीक है। तो यार चलते हमारे तीसरे के ओर, मतलब कि तीसरा ग्लिच और हिडन जगह के बारे में जो था, हिडन या नहीं वो ग्लिच है यार, ये है मिलिट्री बेस। और आपको इस हैक या ग्लिच को करने के लिए चाहिए एक बगी। तो यार आपको सीधा सा प्लेन के अंदर दिख रहा है, ये प्लेन के अंदर घुस रहा है, तो तभी आपको क्या करना है, इसको पूरा आप सीधा करिए, मतलब कि आपका बगी को पूरा सीधा करिए और बैक करके घुसाइए अंदर। तो जब भी आप बैग के अंदर घुसेंगे तो बूम आप देख सकते हैं कि हमारे प्लेन गायब हो चुका है, और आपको स्कोप मोड ऑलवेज ऑन करके मारना है, क्योंकि स्कोप नहीं करेंगे तो आपका वो दिखेगा नहीं, मतलब प्लेन डिसेबल नहीं होगा। तो यार मैं ये ग्लिच को रिपोर्ट कर दिया है, लेकिन जब तक रिपोर्ट ठीक नहीं मतलब कि बग फिक्स नहीं हो जाता आप लोग मज़े लीजिए। तो आप नीचे से देख सकते हैं कि हमारा कुछ शरीर का कुछ भी पार्ट नहीं दिख रहा है, मतलब कि हम कहाँ पे बैठे हैं, तो एनिमी को पता भी नहीं चलेगा हम इधर से मार रहे हैं। तो यार ये एक अच्छा ग्लिच है, आप अगर मिलिट्री बेस के एकदम लास्ट जोन में हो और आपके पास बगल में बगी है, तो आप आसानी से ये कर सकते हो, ये ग्लिच का फ़ायदा उठा के आप किसी को भी मार के जीत सकते हो, चिकन डिनर ला सकते हो। तो यार और भी मैं प्लेन को दिखाऊंगा, यहाँ पे कितने सारे प्लेने होता है, आपको सिंपल से जाना है, आपको किसी भी प्लेन के मिडिल पे या एंड पे जहाँ पे आपका जो पीछे वाला पोर्शन है बगी का वो मतलब के घुसना चाहिए, ठीक है। जब भी घुसेगा तभी आपका ये बग फिक्स मतलब के बग बोलता हूँ मैं, ये ग्लिच होगा स्टार्ट। तो मैं दिखा रहा हूँ कैसे ये करना है। तो इस प्लेन पे देखिए, इस पे तो मिडिल का कोई पोर्शन नहीं है, तो इसका पीछे का है, तो पीछे पीछे जब ही लाता हूँ मैं, देख सकते हो आप बगी का पीछा मतलब पीछे जो पोर्शन है वो गायब हो चुका है। फिर ये देखिए स्कोप मोड ऑन नहीं है, और ये स्कोप मोड ऑन मैंने ऑन किया और घुमाया, तो यार पोर्शन गायब हो चुका है प्लेन का पूरा। तो आपको सिर्फ यहाँ पे स्कोप मोड ऑन करके मारना है, ठीक है। तो यार ये बहुत अच्छी ग्लिच है, आप लोगों को लगता है पसंद आने वाला है तो ट्राई कीजिए, और मेरे को कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा। यार मेरे को चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है, मैं ऐसे ग्लिच लाता रहता हूँ और बहुत
उटपटी चीज करता रहता हूँ। तो यार ये और जो ग्लिच है, मैं मतलब क्या ट्रिक है, ठीक है ट्रिक भी नहीं है, वो एक हिडन जगह है, वो प्रिजन के अंदर है, ठीक है। तो अगर प्रिजन में कभी चले जाते हो तो प्रिजन में आओ, मैं दिखाता हूँ कि कैसे प्रिजन में आप लास्ट तक सर्वाइव कर सकते हो, ठीक है। यार ये बाइक बहुत घटिया है, मेरे को लगता है नहीं बाइक में कभी कभी स्टंट मस्त होता है, मैं तुम्हारे को स्टंट लास्ट में दूंगा, जो स्टंट हुआ मेरे साथ वो स्टंट में दूंगा। लेकिन आप जो प्रिजन के पीछे जो लाल एकदम ऊपर जो ये लाल बिल्डिंग है सेकेंड फ्लोर का, मतलब तो दो तला बोलता है ना, वो दो तले से बाड़ी के पीछे क्या है? मतलब घर के पीछे एक गड्ढा है, ठीक है, उस गड्ढे ये देखो गड्ढे पे घुस गया मैं, और कोई भी ये नहीं सोच सकता कि गड्ढे के अंदर आपको, ठीक है, मतलब कि घर से कोई आपको एक्सपेक्टेड भी नहीं करेगा, आप यहाँ से उसको स्कोप भी कर सकते हो, बॉम्ब भी फेंक सकते हो। देखिए मैं उधर पे स्टंट फेंका, स्टंट भी चला गया, आप कोई भी बॉम्ब बोलो गोली बोलो आप कुछ भी मार सकते हो, कुछ भी फेंक सकते हो। तो यार ये एक महाग्लिच है, ये महा बग है, क्या ये लोग महाग्लिच बग क्या है यार, कुछ भी है, मतलब कि ये बग है जो फिक्स नहीं किया गया है। जब तक फिक्स नहीं होता गाइस तब तक आप लोग मजा उठाइए। तो यार अगला है पोचिंगी के चर्च में, तो यार पोचिंगी के चर्च में कोई नहीं जाता, हम देख सकते हैं कि इधर पे पोचिंगी के चर्च के ऊपर जो बिल्डिंग है, मतलब कि बिल्डिंग तो नहीं बोल सकते हम, एक घर है, तो इस घर के एक वन साइडेड ओपन घर है, इसमें दरवाजा नहीं है, कोई नहीं जाता, स्टे भी नहीं करता। हम मैंने बहुत सारे गेम खेले लेकिन यहाँ पे किसी को जाते हुए नहीं देखा। तो यार यहाँ पे मेरे को एक हफ्ता हो गया मैं इधर पे बैठ के मारता हूँ लोगों को, अच्छे किल भी मिल जाते हैं, लेकिन मैं कभी किसी को नहीं बोलूँगा कि आप कैंपिंग करो या सो लेट के मारो, मैं तो बोलूँगा एकदम आमने सामने फाइट करो, ठीक है, इससे आपका स्किल भी डेवलप होता है। तो भाई लोग आज के लिए बस इतना ही, चलो चलता हूँ, बाय।